जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग KF1। ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिजनेस की टाइप्स को, डिस्कस किया था पार्टनरशिप को, कंपनी को, उनके फीचर्स को डिस्कस किया था। फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को एक प्रॉपर स्टेप्स में डिफाइन किया था कि हमने इस स्टेप में अकाउंटिंग सीखनी है। अकाउंटिंग जो हम डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग और इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर हमने उस डेफिनेशन को कुछ स्टेप्स में लिखा था कि बिजनेस होता है, उसमें क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं वो हम ऐसा ऐसा उसकी तरफ जा रहे हैं, ताकि हम फिलहाल हम अपने हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उन ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर आप उन ट्रांजैक्शन को जो आप एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट बेसिस पे, जो भी उनका मेथड है, प्रोसीजर है, वो हमने सीखना है। फिर आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम रिपोर्टिंग करते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम क्या देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं क्या चीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे। हमने क्या था, कितने एलिमेंट्स हैं, हम एलिमेंट्स नहीं सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पांच कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। फिर सेकेंड हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। फिर हमारे पास जो थर्ड है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमने नहीं सीखनी कि किस तरह हमने बनानी है। जो फोर्थ है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये लास्ट हमारे जो कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम अब फ्यूचर में जो सारे लेक्चर्स के अंदर इसको F/S के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका मतलब क्या होगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या बताते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं। हमने डिस्कस किया था, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस क्या रिपोर्ट करता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के, बिजनेस की आज क्या पोजीशन है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स बताते हैं, उनमें से फॉर एग्जांपल के बिजनेस के पास प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है जी, बिजनेस के पास कैश कितना पड़ा है, बैंक कैश एट बैंक कितना है, कैश एट हैंड कितना पड़ा है। फिर आपके पास आता है कि इसमें आप बताते हो कि बिजनेस की इक्विटी कितनी है, कैपिटल कितना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैपिटल क्या होता है, जो ऑनर्स इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो आपकी उस बिजनेस का कैपिटल कितना होगा, 1 लाख रुपए। और जो ओवर द इयर्स आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, वो प्रॉफिट भी किसके होते हैं, ऑनर्स के होते हैं।
तो ओनर्स की जो भी कंट्रीब्यूशन बिजनेस में होती है उसको हम कैपिटल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, कैपिटल में दो चीजें आती हैं, एक होती है कैपिटल में हम कह सकते हैं, कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। एक तो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम, वो भी हमारी आपके कैपिटल का पार्ट है, वो कैपिटल उसे हम कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है फ्यूचर में, वो आपको हर साल प्रॉफिट्स आ करके देता है। वो हम देखेंगे कि हमने प्रॉफिट्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं, हमने अकाउंटिंग में वही सीखना होता है। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस स्टार्टअप के टाइम आप इन्वेस्टमेंट करता है एक ओनर, वो उसको हम कैपिटल कहते हैं। और ओवर द ईयर जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब पहले साल उसने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, अब 10,000 में से 1,000 रुपये उसने निकलवा लिया, बाकी 9,000 रुपये उसने रीइन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। क्योंकि प्रॉफिट किसके होते हैं, ऑनर्स के होते हैं। ऑनर की मर्जी है, वो चाहे अपनी मर्जी पे कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल यूज़ पे एक्सपेंडिचर कर ले, या वो उस बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर ले। अगर वो प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करता है तो वो उसके प्रॉफिट्स क्या हो रहे होते हैं, एग्रीगेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। पहले साल का 9,000 उसने बिजनेस में रिटेन कर लिया, दूसरे साल में उसको दोबारा 15,000 का प्रॉफिट आया, 3,000 उसने निकाल लिया, 12,000 उसने बिजनेस में रिटेन कर लिया कि बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर उसका 9,000 पहले साल का और 12,000 दूसरे साल का प्रॉफिट भी क्या हो गया, री इन्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो आपके कैपिटल के दो चीज़ें पार्ट होती हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम, वो सीखेंगे। ऐसा ऐसा ये चीज़ें आपको आती जाएंगी, ये जस्ट हम बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में पहले बताते हैं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, और जिनको यूज करके बिजनेस के फ्यूचर में इकोनॉमिक इनफ्लोज होने हैं, मतलब फ्यूचर में बिजनेस ने बेनिफिट्स लेने हैं। कैश पड़ा हुआ बिजनेस के पास, बिजनेस का एसेट है, बिजनेस ने उस कैश से कुछ चीज़ें परचेज करके प्रॉफिट पे बेचनी है, वो यहाँ पर उसको क्या होगा, बेनिफिट इनफ्लो होगा। अगर बिजनेस के पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ जो उसने परचेज किया हुआ है, स्टॉक मतलब जिसको बिजनेस, जिसमें बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, जो बिजनेस का बिजनेस है, अब वो बिजनेस स्टॉक बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, लेट सपोज ईयर एंड पे जिस डेट पे मैंने फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको मैं गुड्स भी कह सकता हूँ। अगर मैं मार्कर का बिजनेस करता हूँ, मार्कर्स परचेज करता हूँ और सेल करता हूँ, तो मार्कर्स मेरा क्या है, स्टॉक है। अब ईयर एंड पे जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको मैं बेच के नेक्स्ट ईयर में फ्यूचर में बेनिफिट अर्न करूंगा। अब उस 1 लाख के मैं स्टॉक को 1 लाख का तो बेचूंगा नहीं, उसको मैं 1,10,000 का, 20,000 का बेचूंगा, तो मुझे क्या दे रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट्स दे रहा है, इकोनॉमिक इनफ्लोज हो रहे हैं। इसकी हम एसेट्स की डिटेल डेफिनेशन इसी वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर आप इसमें बताते हो कैपिटल, अभी मैंने डिस्कस किया कि कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो ओवर द ईयर्स प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किए होते हैं और अपने पास रिटेन किए होते हैं बिजनेस के अंदर, दोबारा री इन्वेस्ट किए होते हैं, वो हमारा होता है कैपिटल। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में थर्ड चीज भी बताते हो, पहले आप क्या बताते हो इसमें एसेट्स, फिर आप बताते हो कैपिटल, फिर आप बताते हो लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या है, ये है बिजनेस की ऑब्लिगेशन, बिजनेस ने जो पेमेंट्स लेनी है, बिजनेस के हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं उधार। अब ये उधार लोन्स भी हो सकते हैं, जो बिजनेस लोन लेता है और लोन एक फाइनेंसिंग का है, पैसे इकट्ठे करने का, जो बिजनेस आगे इन्वेस्ट करता है, अब वो लोन भी क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी है। अब अगर मैंने कोई गुड्स, मार्कर्स बिजनेस नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, उधार पे चीज़ परचेज करके आगे सेल करते हैं पैसों में, फिर उन्हीं पैसों को क्या करते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, अपना उधार उतार देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, क्रेडिट पर परचेज जो करते हैं, क्रेडिट पर जो परचेज करते हैं वो हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ हैं, हम आगे चल के उनसे हमारी वो क्या होती है जी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी इन चीज़ों के साथ, टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। अभी हम वो एग्जांपल्स देखते भी हैं इसी वीडियो में, आगे चल के डिटेल में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। फिलहाल हम थोड़ा बहुत ब्रीफली इनको डिस्कस कर रहे हैं।
फिर आपका दूसरा कंपोनेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। इसमें आप बताते हो इनकम, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि बिजनेस के पूरे साल की इनकम्स कितनी हैं। इनकम्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी भी है, उसने रेंट पर दी हुई है, उसको रेंट रिसीव हो रहा है, वो क्या है, बिजनेस का इनकम है। अगर बिजनेस मार्कर्स जो परचेज कर रहा है, वो सेल भी कर रहा है, अब वो सेल क्या है, बिजनेस की इनकम है। ठीक है जी। अब एक्सपेंसेस क्या हैं, जो मैंने मार्कर्स परचेज किए हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर मैंने नेट प्रॉफिट, नेट इनकम कैलकुलेट करनी है, तो मैं सेल्स में से परचेजेस लेस करूंगा। अगर मैंने मार्कर्स 100 रुपये के परचेज किए हैं और 120 रुपये के सेल किए हैं, तो अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, नेट इनकम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेल की वैल्यू मेरी टोटल इनकम लेस एक्सपेंसेस 100 रुपये जो मैंने परचेज किए हैं एक्सपेंसेस, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट इनकम कितनी आ गई, 20 रुपये। इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, P&L इसको हम कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम बताते हैं किसके बारे में, इनकम के बारे में, और हम इसमें बताते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है जी। तो जो हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास आती है एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में इनकम एंड एक्सपेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि बिजनेस की टोटल इनकम कितनी आई है, बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। अब एक्सपेंसेस में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस के बिल्स, बिजनेस की अगर कोई इम्प्लॉयज हैं तो उनके सैलरीज, वेजेस। ठीक है जी। अगर बिजनेस ने जो हेड ऑफिस है, जो फैक्ट्री है, वो रेंट पर ली हुई है, अब वो रेंट, उन बिल्डिंग्स का जो रेंट एक्सपेंस है, अब वो क्या है, एक्सपेंस है। अगर बिजनेस ने रेंट पर बिल्डिंग दी हुई है और रेंट रिसीव कर रहा है, तो वो उसकी इनकम बन गई। अब वो रेंट, उसने बिल्डिंग रेंट पर दी ली हुई है और वो रेंट की पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर रेंट क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। अब ये हम इनकम और एक्सपेंस की जो नेचर है वो डिपेंड करती है कि इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं। अगर हम देखें, अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हुआ है, अब लोन तो लायबिलिटी है, लेकिन उस लोन पे जो बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को, वो क्या है, एक्सपेंस है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसी तरह अगर बिजनेस के पास कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि यार अपने पास पैसे नहीं रखते, बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं सेविंग अकाउंट में या फिक्स्ड अकाउंट में। आपको नॉलेज होगा कि बिजनेस के 3-4 अकाउंट टाइप्स होती हैं अकाउंट्स की, जिसमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए, उस पर आपको रिटर्न मिलता है। एक आपका सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है, जिसे हम काइबोर रेट भी कहते हैं, स्टेट बैंक जो रेट डिफाइन करता है, बैंक आप उसको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो अगर आपने डिपॉजिट रखवाए हुए हैं बिजनेस के पास, उस पर जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपका क्या है, इंटरेस्ट आपकी क्या है, इनकम है। डिपेंड करता है नेचर पे, ट्रांजेक्शन की नेचर पे, कि हमने उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, हमने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है या हमने उसको इनकम रिकॉर्ड करना है, हमने उस ट्रांजैक्शन को एसेट रिकॉर्ड करना है या हमने उस ट्रांजैक्शन को कैपिटल रिकॉर्ड करना है, या हमने उस ट्रांजैक्शन को क्या रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। जी ये हम आगे सीखेंगे कि हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, हमने किस तरह से अपने नॉलेज को क्या करना है, यूज करना है, अप्लाई करना है, और हमने उसको रिकॉर्ड करना है। ये आपके क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं 5। फिर जो हमने कहा है कि इन कंपोनेंट्स के अंदर, जो पहले दो हमारे सिलेबस में है, बाकी 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पहले दो को ही डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना भी सीखेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल हम उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि एट द एंड जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो किस लिए हो रही होती है, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। तो हम इसलिए हमने अपनी अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग को वहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो इन्हीं के रूल्स पे कुछ हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने बहुत ही दफ़ा सुनना होगा डेबिट क्रेडिट चल रहा होता है अकाउंटिंग के अंदर, उसमें यही इनकम एक्सपेंस एसेट्स कैपिटल 5 चीज़ें ही हैं,
ये क्या हो रही होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट हो रही होती हैं। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो हमने अभी मैंने कहा है कि एसेट्स के बारे में बताते हैं, कैपिटल के बारे में बताते हैं, लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन या लिस्ट फाइव कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं और एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स वो हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में हम तीन चीज़ें बता रहे होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में हम दो चीज़ें बता रहे होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो पांच कंपोनेंट्स भी हैं और पांच एलिमेंट्स भी हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो है एसेट्स। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एसेट्स क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। अब रिसोर्सेज में तो पूरी दुनिया के लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, पूरी दुनिया का कैश रिसोर्सेज में आ जाता है, लेकिन मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स बताने हैं, रिसोर्सेज बताने हैं। तो वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ने, जो एंटिटी ने कंट्रोल किए हुए हैं, वो रिसोर्सेज जो क्या है, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट या ट्रांजैक्शन एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लोज, जो के एंटिटी की तरफ आने हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लोज क्या है, प्रोबेबल है कि इस रिसोर्सेस से, इस एसेट से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या इनफ्लोज बिजनेस की तरफ आएंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है। अब बिल्डिंग किस तरह से एक एसेट है, लेट सपोज अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बैठ के हम सारे बिजनेस के डिसीजंस ले रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शन उसी बिल्डिंग में बैठ के हो रही है। अगर वो बिल्डिंग ना होती, अगर वो बिल्डिंग हमारे पास ना होती, तो हमारे बिजनेस की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं थी, वो ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल नहीं थी। तो इस बिल्डिंग को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में या आज इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो हो रहा है, ये क्या है, रिसोर्स है। अब ये बिल्डिंग कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी है, इस बिल्डिंग को एंटिटी जिस तरह से चाहे यूज कर सकती है, क्योंकि बिजनेस की ऑनरशिप में है, एंटिटी की ऑनरशिप में है। अगर ये बिल्डिंग एंटिटी की कंट्रोल में नहीं होता, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी एंटिटी के नहीं थे, वो जिसके कंट्रोल में है वो उसी के होने थे। अगर बिल्डिंग मैंने रेंट पर भी ली हुई है, तो फिर उस केस में वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब चाहेगा उसका टेनेंट मुझे बाहर निकाल दे। मेरी कंट्रोल में तब है जब ये मेरी ऑनरशिप में है, या आप आगे चल के डिस्कस करोगे लीजेज एक फाइनल्स की बातें हैं, उस केस में भी हालांकि वो मेरी ऑनरशिप में नहीं होती, लेकिन मेरे कंट्रोल में होती है। तो एसेट्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कंट्रोल समझ आ गया कि मेरे कंट्रोल में है, मैं जिस तरह चाहूँ इस बिल्डिंग को यूज कर लूँ। बिल्डिंग के अलावा इसको मैं और कह सकता हूँ, मेरे पास एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फैक्ट्री। अब बिल्डिंग के अंदर मैंने मशीनरी, प्लांट्स बड़े बड़े इंस्टॉल की हुई हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री बहुत बड़ी, उसकी क्या है, प्लांट इंस्टॉल्ड है, पता नहीं कुछ 6 7 महीने लग जाते हैं उसके एक प्लांट को इंस्टॉल करने में, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होती है उसके एक प्लांट को इंस्टॉल करने में, सारी मशीनरी और वो काफ़ी इंजीनियर्स को हायर करते हैं उस चीज़ के लिए। अब जो मैं उस फैक्ट्री को मैंने इंस्टॉल की है, अगर मैपल लीफ उस प्लांट को इंस्टॉल ना करता, तो वो मैं उस सीमेंट को प्रोड्यूस ही ना कर पाता, और सीमेंट को जब प्रोड्यूस ना होती, तो सीमेंट को मार्केट में सेल करके इनकम अर्न ना कर पाता, उससे जो इकोनॉमिक इनफ्लोज हैं वो भी पॉसिबल ना होते। तो ये फैक्ट्री क्या है, रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी है, ठीक है जी।
हमने हम इन दो एग्जांपल्स के अंदर दो टर्म्स तो डिस्कस कर ली है, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लो जिनकी वजह से बिजनेस में आ रहे हो। अब एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट की बात रहेगी कि पास्ट इवेंट की क्या बात है, बिल्डिंग को मैंने पास्ट में या परचेज किया हो या उसको मैंने खुद उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई हो। फैक्ट्री क्योंकि अगर मुझे आज या फ्यूचर में इनफ्लोज दे रही है इकोनॉमिक, तो वो जाहिर सी बात है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, पास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से इनकर हुई है। फैक्ट्री मैंने पहले सारी मशीनरी प्लांट इंपोर्ट किए, परचेज किए, पेमेंट्स किए, उसको इंस्टॉल करवाया, जैसे वो इंस्टॉल हुई वो पास्ट इवेंट बन गई, अब वो मेरे कंट्रोल में आ गई, अब उससे मैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स लूंगा, इन्फ्लोज लूंगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं 1 साल बाद या 6 महीने बाद एक प्लांट परचेज करूंगा, उसको इंस्टॉल करवाऊंगा, अब वो मेरा एसेट नहीं है, वो रिसोर्स नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो पास्ट इवेंट नहीं है, वो फ्यूचर प्रोबेबल एक ट्रांजेक्शन है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा डिसीजन लेंगे। तो मतलब ये है कि एसेट आर द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन 3-4 नंबर की पेपर में आ सकती है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे कि आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगी, हमने कहा था ना कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल या बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो या तो ट्रांजेक्शन में एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, कैपिटल होगी और इनकम होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन इन 5 एलिमेंट्स के बाहर नहीं होगी। बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन में ये पांच, कोई इन पांचों में से कोई एक दो चीज़ होगी, तो हमने वो आइडेंटिफाई करनी है। तो उनको आइडेंटिफाई करने से पहले हमें इन पांचों में से हर एक की डेफिनेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये आपके थे एसेट्स, आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब क्या है, एक दूसरे हमारे पास आती है कि हमने कहा था कि हमने पांच हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अब हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो है कैपिटल, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स, जो ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं बिल्डिंग के लिए क्या करता हूँ, एक बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज करता हूँ 10 लाख रुपए की। अब मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब मेरे पास बिजनेस में क्या आ गया, अब बिजनेस का कैश आ गया, मेरे पर्सनल कैश में से मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस को दे दिए कैश। इस ट्रांजेक्शन से पहले बिजनेस के पास कैश था 0, अब इस ट्रांजैक्शन के पास बाद बिजनेस के पास कैश आ गया है 10 लाख रुपए का। इस ट्रांजैक्शन के से पहले बिजनेस के पास कैपिटल था 0 रुपए, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद, जो मैंने कहा है कि मैं 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस ट्रांजैक्शन के बाद, ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, इनफ्लोज हो रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन के पास बिजनेस का कैपिटल हो गया 10 लाख रुपए। हम देख सकते हैं कि इसमें इस ट्रांजैक्शन के बिजनेस का एसेट कैश क्या है, एसेट है, वो भी इंक्रीज हुआ है, वो हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, 0 से 10 लाख हुआ है, ये भी क्या है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने कहा था ना कि बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन में एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में से कोई ना कोई एक इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, कैश एंड कैपिटल। अगर मैं कहता हूं कि अब मैंने उस 10 लाख रुपए को यूज करके बिल्डिंग परचेज कर ली, अब बिल्डिंग इनफ्लो हुआ है, बिजनेस ने एक्वायर की है एक बिल्डिंग, एसेट एक्वायर की, एसेट इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग बिजनेस में आई है, अब बिजनेस ने पेमेंट की है कैश की, 10 लाख की पेमेंट की है, पहले था बिजनेस के पास 10 लाख रुपए, अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुआ, 10 लाख रुपए चला गया बिजनेस के पास 0 रुपए हुए। तो अब इसमें दो एसेट्स इन्वॉल्व थे, दो रिसोर्सेज इन्वॉल्व थे, एक रिसोर्स का अक्वायर किया मैंने, एक रिसोर्स का आउटफ्लो हुआ है। तो ये हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, हम आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपने अंडरस्टैंड करनी है, याद करनी है कि बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन में इन पांचों में से कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है,
एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, हमने वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, अब कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड हमारे पास आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन एंड फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो। अब जब मैं एक लायबिलिटी को फ्यूचर में पे ऑफ करूंगा, अपने उधार की पेमेंट करूंगा, तो इकोनॉमिक आउटफ्लोज होंगे, चाहे मेरा कैश की आउटफ्लो हो रहा हो या मैं कैश की बजाय कोई और चीज दे रहा हूँ, वो क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा। इसकी एक मैंने एग्जांपल जो आसान सी है अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक लेवल में आपको बता देता हूँ। लोन क्या है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अब मैं ये क्या है, पास्ट में मैंने क्या लिया है? एक लोन लिया एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी क्या है, ऑब्लिगेशन है आज की डेट पे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं। हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी आज की डेट पे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन जब मैंने लोन लिया था, एंड फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो उसकी वजह से होने हैं फ्यूचर के अंदर, तो ये क्या है, लायबिलिटी है। अब एक तो है लोन, उसके अलावा एक और टर्म यूज होती है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे मैं क्रेडिट पर चीजें परचेज करता हूँ, चीजें नहीं गुड्स। गुड्स वो चीज है जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है। ट्रेड करता है मतलब जो बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस मेरा, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस मेरा था कि मैंने स्टेशनरी जो है, बुक्स हो गई, बाकी उसके अलावा साथ में बॉल पॉइंट्स हो गए, मार्कर्स हो गए, रेजर्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी बुक डिपो की शॉप्स, बुक डिपो की मेरी शॉप मैंने स्टार्ट की। उसमें अगर मैंने बुक के लिए, बुक शॉप के लिए एक फैन परचेज किया है उधार पे, अब वो मेरा जो फैन है मैंने यूज करना है वहां पर, वो फैन मेरी गुड्स नहीं है। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो के अंदर के गुड्स क्या हैं, जिसके अंदर मैंने ट्रेडिंग करनी है, जिनको मैंने परचेज करके आगे सेल करना है, वो क्या है, मेरी गुड्स हैं। अब मैं गुड्स को एक दफा कह सकता हूँ गुड्स, इसका दूसरा नाम है स्टॉक, जो इसका अकाउंटिंग का नेम है, जो हमने डिटेल में पढ़ना है आपके सिलेबस में, वो 10 से 12 नंबर का लाजमी आता है पेपर के अंदर, वो है इन्वेंट्री। आप इस वर्ड को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आप देखेंगे कि जिस जो बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो बिजनेस चीजें परचेज करके आगे सेल कर रहा होता है, हमने उसकी किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। तो गुड्स क्या है? ये गुड्स आर द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ठीक है, जिसको हम रीसेल करने के लिए, सेल करने के लिए क्या करते हैं, परचेज करते हैं, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो हमारी क्या हैं, गुड्स हैं। और अगर उन गुड्स को, उस स्टॉक को, उस इन्वेंट्री को मैं उधार पे परचेज करता हूँ, क्रेडिट पे परचेज करता हूँ, तो जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ, जो मेरे सप्लायर्स हैं, उनको मैं कहता हूँ क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स भी मेरे क्या हैं, लायबिलिटी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैंने 5 दिन पहले एज रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन उधार पे मार्कर परचेज किए थे। जब फ्यूचर में अपनी इस लायबिलिटी को, इस ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करूंगा, पेमेंट करूंगा, तो मेरे इकोनॉमिक आउटफ्लोज होने हैं, मेरे कैश के आउटफ्लोज होने हैं। ये क्या है, आपकी लायबिलिटीज हैं। ये फिर आपके क्या है, इनफ्लोज के अलावा फिर हमारे पास जो फोर्थ है वो है इनकम। हमारे पास फिफ्थ है वो क्या है, एक्सपेंस। मैं ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुका हूँ, इसी वीडियो में डिस्कशन मैंने की है। अभी हम इन पांचों एलिमेंट्स की, जो मैंने अभी डिस्कस किए, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, मतलब एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी, ये एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, मैक्सिमम ये पांचों पांचों आ रहे होते हैं आपके एसेट्स, आपके ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर।
और आपके ये एसोसिएट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट के अंदर ये आ रहे होते हैं पांचों के पांचों। इनमें से तीन आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर, और तीन कौन से हैं, एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और दो आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर, वो कौन से हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये अब हम पहले देखते हैं डेफिनेशन आपकी बुक के मुताबिक। मैंने क्या अभी को बताया भी था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, जो फुल सेट है उसकी कंपोनेंट्स कितने हैं, पांच। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, कंप्रीहेंसिव इनकम, ये आपके सिलेबस में है, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज एंड नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन की उनकी जो बुकिश डेफिनेशन है वो कौन सी है, ज़रा वो अंडरस्टैंड करते हैं जी। वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन इज ए लिस्ट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ एन एंटिटी एज एट ए पार्टिकुलर डेट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में हम ईयर एंड पे उस डेट पर बिजनेस की पोजिशन बताते हैं। पोजिशन हम किस तरह बताते हैं कि बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, बिजनेस की इक्विटी कितनी है। इक्विटी क्या है, कैपिटल का जो अकाउंटिंग में हम नेम अभी डिस्कस करते हैं उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी या कैपिटल सेम चीज़ें हैं। और क्या है, लाइबिलिटीज भी हम बताते हैं। ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन रिपोर्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटिटी एट ए पार्टिकुलर डेट। फाइनेंशियल पोजिशन बताती है ये किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। अब ये हमारी क्या आती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन की आपकी बुकिश डेफिनेशन। फिर हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी इन पीरियड। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बिजनेस की परफॉर्मेंस बताते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं कि बिजनेस के इस साल की इनकम्स कितनी हैं, इस साल के एक्सपेंसेस कितने हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इन्होंने आगे बताया कि टू पार्ट्स हैं, तो इसको मैंने आपको नहीं बताया कि इतनी डिटेल्ड में आपके सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम नहीं है। मैंने आपको जस्ट क्या बताया कि ए लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच रिजल्ट इन ए प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जो मैंने डिस्कस किया था। और कहते हैं कि दूसरा पार्ट इसका है स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको इंक्लूड भी नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने कहा भी है कि इंक्लूड ओनली दोज आइटम विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ओके, एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने जस्ट मैंने जो पोर्शन डिस्कस किया है इनकम और एक्सपेंसेस का, वो क्या कहा है, इसका डिस्कस किया है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। मैं आपको बताया भी था कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। वो मैंने कहा था कि इसके अंदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आते हैं, जिसको मैंने ब्रीफली डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। ये सब आप जस्ट मैंने आपकी बुक से गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो, ताकि आपको पता हो कि हाँ जी हम बुक से ही पढ़ रहे हैं। बाद में आप ये ना कहें कि हम बुक तो बीच में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे सर, सिर्फ क्या रख क्या रहा खुद ही लिख रहे हैं बता रहे हैं। ये क्या है आपके कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी मैंने डिस्कस किए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमने अभी तक सिर्फ यही देखने हैं इस स्टेज पे। जब हम आगे बड़े होते जाएंगे अपनी अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर, अकाउंटिंग के नॉलेज के हिसाब से जब हम मेच्योर होते जाएंगे, तो हम बाकी चीज़ें तब डिस्कस करेंगे। ये पहले हम आते हैं कि हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं। वही बात, एसेट्स रिसोर्स, रिसोर्स प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेशन है ना कि मैं बिल्डिंग को यूज़ करके फ्यूचर में इनफ्लोज आएंगे, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है उस कैश को यूज़ करके फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इनफ्लोज आएंगे, इनकम अर्न करूँगा मैं। अब मेरे पास एक मैंने मेपलिफ ने प्लांट इंस्टॉल करवाया है, तो उसके क्या है, ये एक्सपेक्टेशन हैं कि वह फ्यूचर में उस प्लांट पे सीमेंट की प्रोडक्शन करके उसको सेल करेगी, उससे क्या होंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनफ्लोज आएंगे। अब उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि ये क्या चीज़ है आपका, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी।
कंट्रोल द एबिलिटी टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम द सिटी एंड टू रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ अदर्स टू ऑब्टेन द सेम बेनिफिट फ्रॉम द सेम आइटम। मैंने आपको बताया था कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ मेरी ऑनरशिप में है वो क्या है, मेरे कंट्रोल में है। मैं किसी को तब ही रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ किसी को कि वो मुझसे बेनिफिट ना ले, इसको यूज़ ना करे, जब वो चीज़ मेरी ऑनरशिप में होगी। इन सिंपल वर्ड, वो प्रॉपर्टी, वो रिसोर्स जो मेरे बिजनेस की एंटिटी की ऑनरशिप में है वो क्या है, उसका कंट्रोल बाय द एंटिटी है। अब फिर वो यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, वो सारी बातें यहाँ पर वो ही लिखी हुई हैं कि ये क्या है, आपने एज ए पास्ट में ट्रांजैक्शन की है और उस वजह से आप क्या कर रहे हैं, उससे कि आज आपका कंट्रोल में है, जिसकी वजह से फ्यूचर में क्या होंगे, एक्सपेक्टेड क्या होंगे, फ्यूचर में इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स का इनफ्लोज होगा। यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं सारी जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं आपकी जो फाइनेंशियल आपकी जो लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ए लाइबिलिटी इज डिफाइंड एज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जी आज ऑब्लिगेशन है, आज लाइबिलिटी है, आज मैंने उधार देना है किसी को। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, फ्यूचर मतलब पास्ट में मैंने कोई ऐसा इवेंट हुआ था, कोई ट्रांजेक्शन हुई थी, मतलब मैंने कोई गुड्स परचेज की थी, मैंने कोई लोन लिया था, ट्रांजेक्शन है, जिसकी वजह से आज मैंने उसकी पेमेंट करनी है, मेरी ऑब्लिगेशन है। उसको सेटलमेंट की वजह से एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में जो इकोनॉमिक आउटफ्लोज होंगे, जब मैं उसकी पेमेंट करूंगा, रीपेमेंट करूंगा, तो मैं कैश पे करूंगा, जब मैं कैश की इक्वलेंट वैल्यू के कोई एसेट दे दूंगा, कोई प्रॉपर्टी दे दूंगा उनको, तो ये क्या होगी, जब पे ऑफ होगी तो हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक आउटफ्लोज होंगे। ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। यहाँ पे उन्होंने वही डिस्कशन किया आगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, ये सारी वहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि इक्विटी क्या है। इक्विटी यहाँ पर उन्होंने बहुत ही मुश्किल वर्ड यूज़ किया है, इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आफ्टर वैल्यू ऑफ ऑल इट्स लाइबिलिटी हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स एसेट। इक्विटी क्या है, कैपिटल, बिजनेस का वो पोर्शन जो ऑनर्स का है। अब मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे, तो अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास हैं कोई 500 मिलियन के एसेट्स, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि बिजनेस के ऑनर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो जो ऑनर हुआ तो सारे के सारी बिजनेस की प्रॉपर्टी किसकी हुई, ऑनर्स की हो गई, बिजनेस के इन्वेस्टर्स की हुई, तो सारे के सारे एसेट्स किसके हैं, इन्वेस्टर्स के हैं, ऑनर्स के हैं, कंपनी के केस में शेयर होल्डर के हैं, लेकिन वो फर्दर प्रोसेस है, कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे। कंपनी के जो बिजनेस के जो ऑनर्स होते हैं वही क्या होते हैं, बिजनेस के एसेट्स के रिसोर्सेज के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो 500 मिलियन रुपीस के क्या हैं, एसेट्स हैं, और बिजनेस की 200 मिलियन रुपीस की क्या हैं, लायबिलिटीज हैं। अब बिजनेस ने क्या करना है, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटीज हैं 200 मिलियन रुपीस, जब वो उनको पे ऑफ करेगी तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अगर कैश से पेमेंट्स करेगी या जिस तरह से भी पेमेंट करेगी, तो ये ऑनर्स के बिजनेस से पैसा जाएगा, बिजनेस में से ही पैसा जाएगा। अगर आज मैं अपना बिजनेस क्लोज करना चाहता हूँ, मैं ऑनर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, मैं अपना बिजनेस क्लोज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ मैं अपने पास रख लूँ। अब अगर मैं क्लोज करने जा रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले क्या करनी है, अपनी सारी के सारी लायबिलिटीज़ बिजनेस के सारे उधार बिजनेस ने पे करने हैं। अगर टोटल बिजनेस की वर्थ, टोटल बिजनेस के रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी 500 मिलियन है, एसेट्स को मैं सादा अल्फाज में समझने के लिए क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, रिसोर्सेज तो हम पता है कि एसेट्स रिसोर्सेज होते हैं। अब अगर मैं एसेट्स को अपने मेरे में वैल्यू करता हूँ, सारी मैं प्लस माइनस करता हूँ, तो मेरे 500 मिलियन रुपीस के क्या हैं, एसेट्स हैं, मतलब 50 करोड़ के। और मैंने क्या करना है,
200 मिलियन मतलब 20 करोड़ रुपए क्या देने हैं, उधार देने हैं, तो मैं क्या कर लूंगा उसमें से, क्या कर दूंगा, 200 रुपए उधार वापस कर दूंगा। तो जो मेरे पास नेट अमाउंट बचती है 300 रुपए, ये क्या है, ऑनर्स का है, मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी है सारी की सारी अमाउंट्स। तो ये 300 जो रेजिडुअल इंटरेस्ट, रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या है कि बिजनेस के एसेट्स, और उसमें से अगर हम सारी की सारी लाइबिलिटीज डिडक्ट कर दें तो क्या जो अमाउंट बचती है उसको हम कहते हैं इक्विटी। अब इस इक्विटी के अंदर, इस 300 रुपए के अंदर, अब इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके कैपिटल में दो चीजें आती हैं, एक कैपिटल इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसमें हम प्लस करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं आपको मैंने ये भी बताया था, ठीक है जी। और इसको हम फर्दर डिटेल में, इसकी डिस्कशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बस आपने ये देखना है कि रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है। मैं आपको मैंने बताया कि रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है कि जितने बिजनेस के टोटल एसेट्स हैं उनमें से जितनी लाइबिलिटीज है मैं सारी पे ऑफ कर दूँ, जो नेट अमाउंट बचती है वो, क्योंकि वो किसकी है, शेयर ऑनर्स की है। मैंने क्या कहा था कि बिजनेस में वो पोर्शन जो ऑनर से रिलेट करता है, जो ऑनर्स की है, वो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल एंड इक्विटी बोथ आर द सेम थिंग। अभी हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आफ्टर द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स लाइबिलिटीज हैज बिन डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स एसेट्स, इट इज़ ए बैलेंस शीट वैल्यू। मैंने क्या कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में हम क्या बताते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट्स, बैलेंस शीट में मैंने क्या कहा था कि आपके तीन चीज़ें आप बता रहे होते हो, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। अगर टोटल एसेट्स में से, अगर मेरे पास 500 मिलियन के एसेट्स हैं, अगर उसमें से मैं क्या करता हूँ, 200 मिलियन के किसी और की लोन है मैंने रिपेमेंट करनी है, तो जो नेट एसेट्स हैं, मतलब क्या हुआ, जो 300 मेरे पास नेट एसेट्स कितने हैं, 300 मिलियन रुपीस के हैं। तो जो इक्विटी क्या होती है, इक्विटी को हम दूसरे लफ्जों में नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। आप आगे चल के इस सारी टर्मिनोलॉजी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, जब सॉरी जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, जब आप सीखोगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, फिर आपकी इन सब चीज़ों के ऊपर क्या हो जाएगी, जो ग्रिप है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ फिर कहते हैं कि डज नॉट रिप्रेजेंट इन एनी ऑफ द मार्केट वैल्यू, ये ज़्यादा ये और बातें हैं जो हम बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप यहाँ पर हो जाएगी। ये थी इक्विटी। फिर आपका जो फोर्थ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है वो क्या है, इनकम। अब इनकम क्या होती है, इज मेजर्ड बाई द प्रॉफिट और लॉस। इनकम क्या है हमारे पास, इनकम क्या है, इकोनॉमिक इनफ्लोज है हमारे, जो रिसोर्सेज को यूज करके फ्यूचर में इकोनॉमिक इनफ्लोज होने हैं। मैंने कहा ना कि मैंने प्लांट इंस्टॉल किया मेपल लीफ ने अपना एक न्यू, अब उससे क्या होने हैं, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक इनफ्लोज होने हैं। वो इनफ्लोज कौन से हैं कि वो उन प्लांट को यूज करके सीमेंट की प्रोडक्शन करेगा और सीमेंट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करेगा। अब वो सेल क्या इकोनॉमिक इनफ्लोज हैं, जो रिसोर्सेज को यूज करके बिजनेस ने फ्यूचर में इकोनॉमिक इनफ्लोज करने हैं, वो क्या है, बिजनेस की इनकम है। कैश को अब हम देखते हैं, कैश बिजनेस के पास पड़ा हुआ था, कैश से मैंने क्या किया, गुड्स परचेज की। अब रिसोर्स क्या है, एसेट क्या है, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाई द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। गुड्स मैंने कंट्रोल की है, वो मेरी ऑनरशिप में, मैंने परचेज कर ली है, वो एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन है, जो मैंने ट्रांजेक्शन की है वो पास्ट हो गई है। अब फ्यूचर में मैं उसको सेल करूंगा, एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट पे सेल करूंगा। अब जो उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, वो सेल क्या है, मेरी इनकम है। रेवेन्यू इज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। रेवेन्यू सेल्स को हम कहते हैं, सेल्स दूसरा नाम क्या है आपका, रेवेन्यू है। अब इसकी जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है ये आपको ऐसा ऐसा आती जाएगी जब आप पढ़ते जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो के स्टार्ट में कि इनकम आपकी मल्टीपल सोर्सेज से हो सकती है,
इनकम में आप एक तो आपकी जो मेन गुड्स आप सेल कर रहे हो वो सेल्स हो गई, आप क्या करते हो अपने प्रॉपर्टी रेंट पर दो, या आपको जो रेंट रिसीव कर रहे हो आपकी रेंट इनकम हो गई, आपने एक बैंक के अंदर डिपॉजिट बिजनेस जमा करवाया हुआ, अभी उस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बिजनेस की इंटरेस्ट इनकम हो गई। अगर बिजनेस क्या करता है, कुछ ट्रेनिंग्स देता है, वो ट्रेनिंग्स की फीस लेता है, वो क्या हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई। अब ये इनकम क्या है, डिफरेंट टाइप्स की। अब उस इनकम को उन्होंने क्या कर दिया है, रेवेन्यू और अदर इनकम में डिवाइड कर दिया है उन्होंने। ये मेन इनकम है, मेन इनकम को उन्होंने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है टोटल जो इनकम है रेवेन्यू, उसमें उन्होंने प्लस किया है अदर इनकम, ठीक है जी। अब अदर इनकम के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। रेवेन्यू वो है जो बिजनेस का मेन स्ट्रीम इन बेनिफिट्स है, जो बिजनेस का मेन स्ट्रीट क्या है, मेन स्ट्रीम जो इनफ्लोज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लोज है, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू का दूसरा नाम है सेल्स। और उसके अलावा अब बिजनेस का मेन बिजनेस क्या है, मगर मेन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जो मैपल लीफ है उसका मेन बिजनेस क्या है, उसने सीमेंट की प्रोडक्शन करनी है और मार्केट में उसको सेल करनी है, तो जो सेल्स हैं वो उसका रेवेन्यू है, जो सीमेंट की सेल्स हैं वो उसका रेवेन्यू है। अगर उसकी कोई सीमेंट खराब हो गई है, कोई मसला बन गया, अब वो स्क्रैप हो गई है, वो स्क्रैप पे उसको क्या करते हैं, बेचते हैं, नहीं जाया जाया कर बेच देते हैं थोड़ी अमाउंट पे। अगर वो मैपल लीफ के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, उस पे उनको इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैपल लीफ की एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है खाली पड़ी हो, रेंट पर दे देते हैं, जो रेंटल इनकम है, जो इंटरेस्ट इनकम है, वो उनका क्या है, अदर इनकम में फॉल करेगी। अगर उनके पास एक एसेट था, मैंने एक मैपल लीफ ने एक बिल्डिंग परचेज की थी 1 करोड़ रुपए की, अब उन्होंने बेच दी 1 करोड़ 50 लाख रुपए की, अब उनको क्या है, 50 लाख रुपए का गेन आया है। अब गेन भी क्या है, इनकम है। अब ये गेन्स भी किस में आएगा, अदर इनकम में फॉल करेगा। अब रेवेन्यू और सेल्स में वही आपका इनफ्लोज आएगा, इनकम आएगी, जो मेन सोर्स है आपका इनकम का, आपके इनफ्लोज का, जो मेरा मतलब बिजनेस का जो मेन बिजनेस है, जो मेन एक्टिविटी है, जिसको हम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहते हैं, जो कि क्योंकि जो क्या कहते हैं कि एसेट्स को बेचना, मैंने प्रॉपर्टी बिल्डिंग को बेचा है, मेरा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है ये, कोई साल में 2 साल में एक दफ़ा या किसी एक्टिविटी हो जाती है बिजनेस की मैपल लीफ से। जो सीमेंट की सेल है, सीमेंट को प्रोड्यूस करना है, बेचना है, उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, डेली बेसिस पे वो मिलियन ऑफ रुपीज की सेल करता है, किसकी, सीमेंट की, वो क्या है, सेल्स वैल्यू है। ये क्या है, आपका एक्सपेंस है। फिर हम आते हैं एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस में आप जिस तरह आपके आपकी इनकम है वो एक्सपेंसेस, ठीक है जी, वो एक्सपेंसेस जो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में रेवेन्यू को, सेल को अर्न करने के लिए आपके इनकर हो रहे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। और आपके कुछ लॉसेस होते हैं। अभी मैंने आपको लॉस का क्या कहा था कि गेन, मैंने कहा था कि बिजनेस ने क्या किया, एक बिल्डिंग बेची है 1 करोड़ की परचेज की थी, 1 करोड़ 50 लाख की बेच दी है, जहां पर बिजनेस को 50 लाख का गेन आया है। अगर वो उसी बिल्डिंग को 80 लाख की बेचता तो यहाँ पर बिजनेस को 20 लाख का लॉस आया है, तो फिर उस केस में इस लॉस को वो अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा बिजनेस का, ठीक है, क्योंकि उस बिजनेस का रिसोर्स था 1 करोड़ रुपए का था, 80 लाख रुपए का बिक गया, तो 20 लाख का यहाँ पर क्या है, बिजनेस को लॉस आया है। तो ये आपके क्या है, पांच, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पांच क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। फिर हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया हमने इस वीडियो के अंदर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्कस किया है, एंड हमने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्कस किया है। एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट को, एक अकाउंटिंग की फील्ड के पर्सन को, स्टूडेंट को भी नहीं पर्सन को, स्टूडेंट भी उसी में फॉल करता है, जब तक एसेट्स कैपिटल लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस की पहचान नहीं होगी, तब तक वो आगे अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जो कि जो अकाउंटिंग फील्ड है वो यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने आपको क्या कहा था कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन में इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं,
जिसमें हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस का लेन देन जो उसकी डेली रूटीन पे जो हो रही होती है ट्रांजैक्शंस। बिजनेस हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 15,000। जब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होती है, मैंने क्या कहा था कि उस ट्रांजैक्शन में पांच चीजों में से कुछ ना कुछ होगा। पांच चीजें में कौन सी हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम या एक्सपेंसेस। अब हम इसमें देखते हैं कि बिजनेस ने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस ने एक्सपेंस की पेमेंट की है। जो भी आउटफ्लोज होंगे वो क्या होंगे, एक्सपेंस होंगे। अब यहाँ पर एक तो इन्वॉल्व है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और यहाँ पर वो पेमेंट कर रहा है। पेमेंट किस चीज़ किस क्या कर रहा है, कैश की पेमेंट कर रहा है। कैश क्या है, बिजनेस का एसेट है। अब एसेट दूसरा आपके यहां पर कौन सा एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, एसेट है। कौन सा एसेट, कैश। अब बिल आप देखें, बिल की आप पेमेंट कर रहे हैं। इस बिल से पहले बिजनेस का अगर टोटल बिल एक्सपेंस था इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 रुपये था, अब अगर 15,000 के और उसने पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, तो अब टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 25,000 रुपये का हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। और इसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर आपके पास, लेट सपोज बिजनेस के पास पहले था 1,00,000 रुपए का कैश पड़ा हुआ था, अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ है, 15,000 रुपए कम हो गया। अब बिजनेस के पास जो कैश हो गया वो 1,00,000 की बजाय 85,000 रुपए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से, इस रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, आपका जो एसेट है, जो कैश है, वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आपका क्या हुआ है, कितनी अमाउंट से, 15,000 रुपए से, 15,000 रुपए से दोनों क्या हुए हैं, एक इंक्रीज हुआ है एक डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर हम एक इस एग्जाम्पल से एक क्या लेते हैं, एक बात अंडरस्टैंड करते हैं। आपको मैं एक असूल बताता हूं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल इफेक्ट। देखिए आप इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट से, आपका एक्सपेंस और आपका एसेट। मतलब क्या हुआ कि आपके ट्रांजेक्शन का, हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होगा। वो दोनों एक्सपेंस भी हो सकते हैं, दोनों आपके क्या हो सकते हैं, एसेट भी हो सकते हैं। एक इंक्रीज हो रहा होगा, एक डिक्रीज हो रहा होगा। ये आपकी क्या है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होते जा रहे हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं बिजनेस पे। बिजनेस हमने पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है, हमने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले ली रिपोर्टिंग की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अभी हम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग, चाहे वो कैफ वन हो, चाहे कैफ फाइव एफ ए आर वन हो, चाहे कैफ सेवन एफ ए आर टू हो, चाहे सी एफ वन एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे आपका एम एस ए वन हो, ठीक है, वो सारे का सारा इसी पांच स्टेप्स के अगेंस्ट घूम रहा होता है। अभी हम ट्रांजेक्शन को डिस्कस करें, फिर हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं, रिकॉर्डिंग के कितने मेथड होते हैं, और किन रूल्स की बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट से बिजनेस ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।